ऐसी खूबसूरती ऊपर वाले किसी को ना दें जिसकी वजह से किसी का कत्ल हो जाए, किसी का घर बर्बाद हो जाए, किसी का घर पूरी तरह से उजड़ जाए। दोस्तों, ऐसे ही एक खूबसूरत लड़की की वजह से कई लोगों का घर बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है। आइए पूरी कहानी इस वीडियो में जानते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का ट्रू स्टोरी में स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली की। बरेली शहर के एक छोटे से गांव में रहते थे एक गंगाराम जी। गंगाराम जी जो होते हैं वो एक किसान होते हैं, उनका छोटा सा परिवार होता है। उनके परिवार में उनके अलावा उनकी बीवी होती है, उनके दो बच्चे होते हैं, दो लड़की और एक लड़का। जो दोनों बेटियां होती है वो बड़ी होती है और जो लड़का होता है वो छोटा होता है। गंगाराम की फैमिली बहुत ही अच्छी खासी खुशहाल होती है, घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। किसान रहने के बावजूद भी गंगाराम बहुत ही अमीर होते हैं क्योंकि उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है और सभी में फसल उगाकर उनका घर अच्छा खासा चल रहा होता है। दोस्तों, गंगाराम की पहली बेटी होती है गीता। गीता जैसे जैसे बड़ी हो रही होती है उसमें लड़कियों जैसा कोई स्वभाव ही नहीं होता है। गीता को लड़कों की तरह कपड़ा पहनना पसंद होता है, जीन्स, हाफ पैंट, टी शर्ट, जिस तरह से लड़के कपड़े पहनते हैं उसी तरह के ड्रेसअप गीता किया करती थी। और उसको बाइक चलाना पसंद था, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, इन सब में उसकी रुचि ज़्यादा थी और उसकी लड़कियाँ दोस्त हुआ ही नहीं करती थी। वो सिर्फ लड़कों को ही अपना दोस्त बनाया करती थी और लड़कों के चक्कर में आकर वो काफ़ी नशा भी करने लगी थी। सिगरेट पीना, खैनी खाना और जितने भी नशा होते हैं जो लड़के करते हैं वो सब नशा गीता करती थी। गीता के माँ बाप उससे बहुत परेशान थे कि आखिर ये लड़की है कि क्या है। और गीता की वजह से पूरे गांव के लोग उसके माँ बाप पर हंसते थे कि किस तरह की बेटी इन लोगों ने पैदा की है, लड़कियों जैसा तो कोई स्वभाव ही नहीं है, बस हमेशा लड़कों के साथ घूमती फिरती है और लड़कों को ही अपना दोस्त बनाती है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, जो गीता होती है वो लड़कों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया करती थी, लड़कों के साथ गंदी गंदी कांड किया करती थी। इस बात की खबर उसके पूरे गांव में फैल चुकी होती है और गंगाराम को सब हंस रहे होते हैं, उसके पूरे फैमिली को हंस रहे होते हैं कि इन लोगों की बेटी कैसी है और ये लोग कैसे इंसान हैं जो बेटी को कुछ नहीं करते हैं, बेटी को इतनी छूट दे रखे हैं। दोस्तों, जो गंगाराम होते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो लोग सोचने लगते हैं कि अगर गीता की शादी कर दी जाए तो शायद गीता सुधर जाएगी, शादी के बाद इसका जो नेचर है वो बदल जाएगा। दोस्तों, गंगाराम गीता के लिए लड़का की तलाश में लग जाते हैं और कुछ महीने इधर उधर बात चलाने के बाद एक खबर आती है रिश्ते की। गंगाराम जो होते हैं लड़का को देखने के लिए जाते हैं। लड़का का नाम होता है राहुल। राहुल बहुत ही हैंडसम होता है, जितनी गीता खूबसूरत होती है उतना ही राहुल भी हैंडसम होता है। दोनों की जोड़ी अच्छी जम रही होती है, गंगाराम को लड़का पसंद आ जाता है। उधर से लड़के वाले देखने आते हैं लड़की को। लड़की बहुत ही खूबसूरत होती है पहले से, लेकिन उसका जो रवैया और नेचर होता है वो सही नहीं होता है। लड़की अच्छे से सज धज कर रेडी रहती है, लड़का वाले आते हैं, लड़की को देखते हैं और उन लोगों को लड़की पसंद आ जाता है। गंगाराम काफ़ी दहेज भी देते हैं और बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी गीता की शादी करवा देते हैं। दोस्तों, शादी के बाद जो गीता का रवैया होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है। गीता का जो ड्रेसअप होता है वो भी सुधर जाता है और अपने ससुराल में अच्छे से रहने लगती है। उसके माँ बाप गीता का यह रवैया देखकर बहुत खुश होते हैं और वो लोग कभी सोचे भी नहीं होंगे कि गीता शादी के बाद इतना सुधर जाएगी। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजर रहा होता है, गीता अपना बहू का फर्ज अच्छे से निभा रही होती है। घर में सास ससुर का ख्याल रखना, अपने पति का ख्याल रखना, पूरे घर की जिम्मेदारी सब गीता अच्छे से उठा ली थी। सभी खुश होते हैं गीता से, उसके साथ ससुर को गीता से कोई शिकायत नहीं होती है और गीता अपने पति को अपनी तरफ इतना मोहित कर लेती है कि उसका पति उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता था। शादी को लगभग एक साल गुजर जाते हैं और इन एक साल में गीता को एक लड़का पैदा होता है। जब लड़का पैदा होता है तो गीता और भी ज़्यादा खुश होती है, उसके ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं, घर में खुशियों भरा माहौल रहता है। लेकिन गीता धीरे धीरे टेंशन लेने लगती है और अपने पति से कहती है कि जब तक हम लोग दो थे तब तक ठीक था, कितने दिनों तक तुम्हारे पापा के पैसों पर हम लोग पलते रहेंगे।
तुम्हें चाहिए कि तुम कुछ काम ढूंढो और कुछ काम करो। अब 2 से 3 हो गए हैं, धीरे धीरे हमारा बेटा भी बड़ा होगा, इसके जो खर्चे होंगे वो भी बढ़ जाएंगे, इसको स्कूल पढ़ाना है, बहुत सारे खर्चे होंगे, कब तक हम तुम्हारे पिता पर डिपेंडेंट रहेंगे, तुम भी कुछ काम करो। तो दोस्तों जो राहुल होता है वो गीता से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं कल ही शहर जाता हूँ और देखता हूँ कुछ काम मिलता है या नहीं। दोस्तों उसके बाद राहुल चला जाता है शहर, बरेली शहर जाता है और वहाँ पर काम ढूंढता है, लेकिन राहुल को एक अच्छे कंपनी में जॉब मिल जाता है। और उसी दिन शाम को वो आता है घर और घर आकर गीता से कहता है कि अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे काम मिल गया है और मैं कल ही जा रहा हूँ, बरेली में शिफ्ट हो जाऊँगा, मैं वहीं रहूँगा, तुम घर में अच्छे से रखना और मुन्ने का ख्याल रखना, साथ ही माँ पापा का भी ख्याल रखना। गीता कहती है कि तुम घर की टेंशन मत लो, बस चले जाओ और अच्छे से काम करो, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। दोस्तों जो राहुल होता है वो बरेली चला जाता है काम करने के लिए और वहीं रहने लगता है। और इधर गीता अपने सास ससुर और अपने बेटे के साथ रह रही होती है ससुराल में। धीरे धीरे यूं ही वक्त गुजर रहा होता है, लेकिन जो गीता होती है उसको उसके पति के बगैर मन ही नहीं लग रहा होता है। वो बहुत ही परेशान रहती थी और अपने पति को बहुत ही ज़्यादा याद करती थी। ऐसे ही एक दिन गीता अपने आंगन में कुछ काम कर रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। उस दिन जो गीता की सास होती है वो किसी काम से बाहर गई हुई होती है। जो उसका ससुर होता है आंगन में ही बैठा हुआ होता है। उसके ससुर की नज़र गीता पर पड़ती है तो उसका ससुर उसके सामने जाता है और कहता है कि अरे बहू क्या बात है, आज तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो। तो जो उसकी बहू होती है गीता वो भी अजीब नज़र से अपने ससुर को देखने लगती है। तो उसका ससुर कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, इतनी चिंता क्यों कर रही हो, तुम्हारे मन में जो भी बात है तुम साफ साफ मुझसे कह सकती हो। तो दोस्तों गीता कहती है कि आपको तो पता ही है कि आपका बेटा बाहर रह रहा है और उनके बगैर मेरा यहाँ मन ही नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों फिर गीता का ससुर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी जो भी ख्वाहिश है, तुम्हारी जो भी इच्छा है वो मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ, तुम बस किसी को कुछ बताना नहीं। दोस्तों जब गीता का ससुर गीता से इतना कहता है तो जो गीता पहले वाली होती है, जो शादी से पहले जो उसका रवैया होता है वो सब उसे याद आने लगता है और फिर से वो वही सब दुनिया में बिजी हो जाती है। दोस्तों उसके बाद गीता और उसके ससुर के बीच अवैध संबंध बन जाते हैं, शारीरिक संबंध बन जाते हैं। वो दोनों अपने रिश्ते को तार तार कर देते हैं, अपने रिश्तों का उल्लंघन कर देते हैं। दोस्तों जब दोनों के बीच एक बार शारीरिक संबंध बन जाता है तो बस ये सिलसिला कंटिन्यू जारी रहता है और लगभग 2-3 महीनों तक ऐसा ही चल रहा होता है। दोस्तों उसके बाद गीता अपने पति को एकदम से भूल ही जाती है, उसे याद ही नहीं होता है कि उसका पति भी है। अपने ससुर के साथ पति की तरह रहने लगती है, उनके साथ खूब मस्ती करती है, खूब उनके साथ वक्त बिताती है। दोस्तों ऐसे ही एक दिन दिन में 2 पहर का वक्त होता है और गीता उसके ससुर एक कमरे में शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। तभी जो गीता की सास होती है वो घर आ जाती है और जब कमरा खोलती है तो अपने पति और बहू को उस अवस्था में देखकर उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। वो वहीं पर दोनों को खूब डांट लगाती है, लेकिन ज़्यादा चिल्लाती नहीं है क्योंकि अगर ज़्यादा चिल्लाएगी तो आजू बाजू के लोग आएंगे और बदनामी उनके घर की ही होगी। अपने पति को तो खूब डांटती है और साथ ही अपने बहू को भी खूब सुनाती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की हरकत करते हुए। फिर उसकी सास चुप नहीं रहती है, उसके बाद अपने बेटे को फ़ोन करती है राहुल को और राहुल से सारी बातें बताती है। उसी दिन शाम को राहुल अपने घर आता है, घर आकर अपनी बीवी से तो कुछ ज़्यादा कहता नहीं है, अपने पापा को भी ज़्यादा कुछ नहीं कहता है और घर में ज़्यादा शोर नहीं मचाता है क्योंकि ज़्यादा हल्ला होगा आजू बाजू के लोग सुनेंगे तो बदनामी उन्हीं लोगों की होगी। राहुल जो होता है अपनी बीवी का सामान पैक करवाता है और अपनी बीवी और बेटे को शहर ले जाता है। वहाँ जाकर एक रूम रेंट में लेता है और अपनी बीवी को वो अपने साथ ही रखने लगता है। दोस्तों अब जो गीता होती है अपने पति राहुल के साथ बरेली शहर में ही रहने लगती है, लेकिन जो गीता का रवैया होता है वो सुधरता नहीं है। जब वो बरेली में अपने पति के साथ रहने लगती है, उसका जो पति होता है दिन में तो ड्यूटी पर चला जाता और उसका पति का एक दोस्त होता है शेखर, जिसकी उम्र होती है लगभग 45 साल। शेखर से गीता की दोस्ती हो जाती है और जब भी उसका पति ड्यूटी पर चला जाता दिन में तब शेखर उसके रूम पे आया करता था और जो गीता होती है वो शेखर को भी अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है और फिर उसके साथ अवैध संबंध बनाती है, शारीरिक संबंध बनाती है।
शेखर के साथ तो शारीरिक संबंध बनाती है। उसके बगल में और एक आदमी होता है जिसका नाम होता है प्रेमचंद। वो प्रेमचंद के साथ भी शारीरिक संबंध बनाती है, उसे अपने प्रेम के जाल में फंसा लेती है। इस तरह से गीता बरेली शहर में रहकर भी दो दो लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी और इस बात की खबर उसके पति को बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो बेचारा सीधा साधा था, अपने ड्यूटी से मतलब रखता था और अपने परिवार से मतलब रखता था और अपनी बीवी से ज़्यादा वो पूछताछ नहीं करता था, ना ही उसका फ़ोन चेक किया करता था। दोस्तों ऐसे ही एक दिन दोपहर का वक्त होता है और जो शेखर होता है वो गीता के रूम पर आ जाता है और उसके साथ फिर नैन मटक्का करता है और शारीरिक संबंध बना रहा होता है। दोस्तों उतने ही में जो राहुल होता है अपने ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर आता है। जब वो घर आता है तो दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है। दरवाज़ा वो खटखटाता है तो उसकी बीवी बाहर से अंदर से आवाज़ देती है कि रुको मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ, और लगभग 5 मिनट तक वो अंदर ही रहती है, अपने आप को समेटती है। और जो शेखर होता है वो भी अपने आप को समेटता है और फिर चेयर पर बैठ जाता है, उसके बेटी को खिलाने लगता है। तब जाकर गीता दरवाज़ा खोलती है। जब राहुल अंदर आता है तो देखता है कि अंदर राहुल है, तो राहुल गीता से पूछता है कि शेखर यहाँ क्या कर रहा है। तब गीता कहती है कि मुन्ना काफ़ी रो रहा था, मैं उसे बाहर घुमा रही थी लेकिन ये चुप नहीं हो रहा था, तो मैं शेखर जी को दे दी थी बाबू, वो खिला रहे थे और मैं अंदर काम कर रही थी। जब बाबू चुप हो गया तो वो अंदर आ गए बाबू को देने के लिए, तो मैं इनसे कही कि रुक जाइए मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ, चाय पी के जाइएगा। बस यही हो रहा था, मैं इनके लिए चाय बना रही थी और ये बाबू को खिला रहे थे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो राहुल होता है वो पूरी तरह से समझ चुका होता है कि जो गीता है यहाँ पर भी वो वही कांड कर रही है। राहुल गीता से कुछ नहीं कहता है, चुपचाप रहता है। उसी दिन शाम को राहुल गीता को कहता है कि यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जब से तुम आई हो जो भी मेरा सैलरी होता है बस रूम खर्चा और हमारा जो खर्चा है घर का उसी में ख़त्म हो जाता है। ऐसा करो कि तुम घर चली जाओ, घर में रहना, जो भी पैसे होंगे मैं तुम्हें भेज दिया करूँगा। गीता ज़्यादा कुछ नहीं कहती, अपना सामान पैक करती है और फिर अगले दिन राहुल अपनी बीवी और बेटा को गांव में छोड़ देता है। गीता फिर से अपने गांव चली जाती है और वो गांव में अपने ससुर के साथ पहले ही शारीरिक संबंध बना चुकी थी, अपने ससुर के साथ वो पहले नाजायज संबंध बना चुकी थी। लेकिन जो गीता होती है उसे इस सब की लत लग चुकी है। वो मर्द के बगैर अकेले रह ही नहीं सकती थी, क्योंकि हमेशा से वो अलग अलग मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बना चुकी थी, उसे इन सब चीज़ों की पूरी तरह से लत लग चुकी थी। दोस्तों गांव में जाने के बाद एक हफ्ते ही गुजरते हैं और जो गीता होती है अपने चचेरे ससुर की तरफ इशारा करने लगती है और उसे अपनी तरफ मोहित करती है, उन्हें भी अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। उसके बाद अपने चचेरे ससुर के साथ भी वो शारीरिक संबंध बनाती है, लेकिन उसकी खबर उसके अपने ससुर को लग जाती है क्योंकि उसका ससुर उन दोनों को देख लिया होता है। जो उसका ससुर होता है गीता को काफ़ी डराता है और धमकाता है, कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपने चचेरे ससुर के साथ ऐसा करती हो। तो गीता कहती है आपको शर्म आई थी जब आप मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए थे? नहीं आई थी ना, वैसे मुझे भी शर्म नहीं आ रही है। और आप ज़्यादा चिल्लाइए मत, बूढ़े हो गए हैं तो बस इसी तरह से रहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। दोस्तों गीता के ससुर को इस बात का चिढ़ होता है कि मेरे से शारीरिक संबंध बनाने के बजाय मेरे छोटे भाई से बना रही है, और फिर वो उन दोनों के खिलाफ़ खड़े हो जाते हैं, हमेशा उन लोगों को रोक टोक करते और उन लोगों के खिलाफ गाँव के लोगों को बातें बताया करते थे। और दोस्तों गीता जो होती है अपने चचेरे ससुर से तो शारीरिक संबंध बनाया करती थी, साथ ही शहर से शेखर और प्रेमचंद को भी कभी कभी फ़ोन करके बुला लिया करती थी और उन दोनों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाया करती थी, कभी शेखर के साथ तो कभी प्रेमचंद के साथ। और गांव के लोग यह सब तमाशा देख रहे होते हैं कि दो लोग हमेशा शहर से आते थे अलग अलग दिन और उसके घर में जाते थे, लगभग 2-2.5 घंटे उसके घर में बिताते थे और फिर शहर की ओर निकलते थे, लेकिन गांव वाले किसी से कुछ नहीं कहते थे, बस तमाशा देख रहे होते थे। दोस्तों एक दिन गीता अपने चचेरे ससुर से कहती है कि अगर आप मेरे ससुर को रास्ते से हटा देंगे तो मैं उम्र भर के लिए आपकी हो जाऊंगी, मैं आपसे शादी कर लूंगी। दोस्तों जो उसका चचेरा ससुर होता है यह बात सुन के उसके मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं और वो उसी दिन प्लान बना लेता है कि उसके बड़े भाई को रास्ता से हटाना है, कैसे भी करके उनका कत्ल करना है। और दोस्तों एक दिन गीता के चचेरे ससुर और उसके अपने ससुर जाते हैं जंगल की ओर, 2-4 बोतल शराब लिए होते हैं और कुछ खाने पीने का सामान लिए होते हैं। जो गीता का चचेरा ससुर होता है वो उनको बहुत दारू पिलाता है, उस दिन मन भर के शराब पिलाता है और जब वो नशा में आ जाता है पूरी तरह से टल्ली हो जाता है।
वो उनका धार तेज चाकू से गला काट देता है और उनके सर और धर को एक बोरा में पैक करता है और जाकर झाड़ियों में फेंक देता है। जब 2 दिन गुजर जाते हैं और गीता का ससुर घर नहीं आता है तो उसकी सास काफ़ी परेशान हो जाती है, अपने बेटे को फ़ोन करती है। उसका बेटा शहर से घर आता है राहुल, और फिर राहुल और उसकी माँ थाने चले जाते हैं, थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करते हैं। दोस्तों, गांव के कुछ लोग जंगल की ओर जा रहे होते हैं, उन लोगों को कुछ बदबू की महक आती है। जब वो लोग इधर उधर देखने लगते हैं तो उन लोगों को एक बोरा मिलता है सफ़ेद कलर का। जब वो लोग बोरा के सामने जाते हैं और उस बोरा को खोलते हैं तो देखते हैं कि इसमें लाश पड़ी है। वो लोग उसी वक्त पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस मौके पर वहाँ पहुँचती है और डेड बॉडी को थाने ले जाते हैं। पहले थाने में जाकर राहुल को फ़ोन किया जाता है और राहुल से कहते हैं पुलिस वाले कि एक डेड बॉडी मिली है, आकर देख लो कहीं तुम्हारा पिता तो नहीं है। दोस्तों, उसी वक्त राहुल थाने पहुंचता है और जाकर देखता है तो उसका ही पिता होता है। राहुल और उसके पूरे परिवार वाले वहाँ पर फूट फूट कर रो रहे होते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसके बाद राहुल के घर जाते हैं, सभी से पूछताछ करते हैं। दोस्तों, राहुल के घर वाले तो कुछ नहीं बता रहे होते हैं, ना ही राहुल की वाइफ कुछ बताती है। गांव के ही कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि साहब, शहर से 2 लोग अक्सर आया करते थे इनके घर पे और इनकी बहू के साथ 2-2.5 घंटे बिताया करते थे। हो ना हो, मामला कुछ घर का ही है। तो पुलिस वाले गीता का फ़ोन लेते हैं, उस फ़ोन में 2 लोगों का नंबर मिलता है, शेखर और प्रेमचंद का। पुलिस वाले शेखर और प्रेमचंद को थाने बुलाते हैं, थाने बुलाकर पूछताछ करते हैं। तब जाकर वो दोनों कहते हैं कि साहब, हमने कुछ नहीं किया है, हम बस आते थे गीता के घर, उसके साथ कुछ वक्त बिताते थे, शारीरिक संबंध बनाते थे, फिर उसके बाद हम लोग चले जाते थे। और जो ये लड़की गीता है, इसकी आदत ठीक नहीं है, ये सभी लड़कों के साथ संबंध बनाती है, ना जाने आज से कितने लड़कों के साथ संबंध बना चुकी होगी, लगभग 1000 लोगों के साथ तो ये संबंध बनाई होगी, क्योंकि इसकी कहानी मुझे अच्छे से पता है। दोस्तों, जब पुलिस वाले ये सब बात सुनते हैं तो पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, पुलिस वाले शेखर और प्रेमचंद को छोड़ देते हैं, उसके बाद गीता को थाने बुलाते हैं, गीता से पूछताछ करते हैं। तब जाकर गीता पूरी कहानी बताती है कि इनको मैंने ही अपने रास्ते से हटवाया था, इनको पता चल चुका था कि मैं अपने चचेरे ससुर के साथ संबंध बनाती हूँ और ये बीच में रुकावट डालते थे, रुकावट पैदा करते थे, इसलिए मैंने अपने चचेरे ससुर को कहकर इनको रास्ते से हटाया है। उसके बाद पुलिस वाले गीता के चचेरे ससुर को बुलाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। तो उसका जो चचेरा ससुर होता है वो अपनी गलती कबूल कर लेता है और कहता है कि मैंने ही अपने बड़े भैया को मारा है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि अच्छा, एक बात सच सच बताओ, तुमने अब तक कितने लोगों के साथ संबंध बनाए हैं? तो दोस्तों, गीता कहती है कि मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन लगभग 900 से 1000 लोगों तक से मैंने संबंध बनाए हैं। दोस्तों, यह बात जब पुलिस वाले सुनते हैं, पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि वो लोग सच कह रहे थे, ये बात बिल्कुल सच है। दोस्तों, उसके बाद गीता और उसके चचेरे ससुर को पुलिस वाले हिरासत में ले लेते हैं। फिलहाल वो दोनों जेल के पीछे हैं, आगे कोर्ट फैसला सुनाएगी कि इन लोगों को क्या सजा मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसी खूबसूरती किस काम की, जब आपका चाल चलन ही सही नहीं है, जब चरित्र ही सही नहीं है। तो कभी भी आप लोग किसी लड़की को देखने जाए तो खूबसूरती मत देखिए, बल्कि उसका चाल चलन देखिए और उसका चरित्र देखिए, बिहेवियर देखिए कि वो लड़की किस तरह की है, उसकी चाल चलन कैसी है। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप लोगों की क्या राय है इस कहानी के ऊपर वो भी कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलेंगे ऐसे ही एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।